मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस प्रत्याशियों की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने संबोधित किया। बैठक में कमलनाथ ने सभी प्रत्याशियों से उनके विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक पोलिंग बूथ की रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं और जिन पोलिंग बूथ पर उनकी हार हुई है उसकी समीक्षा भी की जाए। इसके साथ ही कमलनाथ ने 15 दिन बाद एक और बैठक बुलाई है। हालांकि इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। क्या समीक्षा में बात हुई, क्या ईवीएम को ईवीएम दोषी है, क्या क्या आप लोग सोच रहे हैं? देखिए, सबकी अपनी अलग अलग बात आई है और उस बात को गंभीरता से आदरणीय कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने और हमारे जो वरिष्ठ नेताओं ने सुना है। और जहां जो इस बात की जो लड़ाई, अगर मान लो कहीं अगर किसी तरीके की जो कार्यकर्ता का फीडबैक आया है, उम्मीदवारों का फीडबैक आया है, उनकी लड़ाई जहां जो लड़ने की बात है उसको हमारे नेता लड़ेंगे, इसको हमको उन्होंने आश्वस्त किया है। ईवीएम पे ठीकरा फोड़ा गया है या कोई और वजह है? सब तरह की बातें आई है, सब तरह की। चुनाव जीतने वालों ने भी बात कही है, चुनाव जो नहीं जीत पाए उनने भी अपनी बात कही है। बहुत क्या कहा, क्या बताई? हारे उसमें कई बहुत सारे अलग अलग कारण है, अलग अलग बूथों के अलग अलग कारण है। तो सब तमाम बात आई है और आप लोगों को बहुत जल्द पता लग जाएगा। कोई नेता प्रतिपक्ष को लेकर यहाँ बैठक नहीं थी। ये बैठक जो थी कि जो 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश विधानसभाओं की विधानसभा क्षेत्रों का जो रिजल्ट आया है उसकी रिव्यू मीटिंग थी, उसकी समीक्षा बैठक थी और उस पर चर्चा हुई है। सर, वोट शेयर को लेकर क्या कहेंगे? बीजेपी कह रही है उनका वोट शेयर 48% हुआ, कांग्रेस का 40% आ गया, क्या लग रहा है? नहीं देखिए, जो भी बात जो है, मान लो देखो अब तो रिजल्ट आ चुके, जब स्पष्ट हो जा चुका है तो जिन कारणों को पता लगाना चाहिए पार्टी को, जिस पार्टी को जो बैठक जो आवश्यक बैठक करना थी वो बैठक हुई है और बहुत सारे उम्मीदवारों ने अपनी बात को रखी है और आदरणीय कमलनाथ जी ने 15 दिन तक का और वक्त दिया है कि संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के आप लोग दौरे करके अपने अपने सुझाव और फीडबैक और ले लें, जिससे कि इसके बाद फिर एक बैठक कर लेंगे। अलग अलग कारण आए पर भी सर, जो उम्मीद थी कांग्रेस को बढ़त नहीं बना पाई और बीजेपी को अच्छी बढ़त मिली। हाँ देखिए, उस पर भी चर्चा हुई है, पर जैसे मैं अभी हमारे यहाँ पर बड़वानी जिले की हम बात करें कि हमारे यहाँ बड़वानी जिले में नरेंद्र मोदी जी आए थे, 17 तारीख को वोट पड़ना था, 13 तारीख को आए थे, फिर भी हम लोग 4 में से 3 सीटें जीते हैं। एक मेरी राजपुर से मैं जीता हूँ, जो छठी बार जीता हूँ मैं। हमारे मोंटू सोलंकी जी को उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया सेंधवा से, पूर्व मंत्री अंतर सिंह आर्य जी को आपने अच्छे वोटों से हराया है। ऐसे राजेंद्र मंडलोई जी बड़वानी विधानसभा जिला मुख्यालय वाली सीट है, सिटिंग मिनिस्टर प्रेम सिंह पटेल जी को हराया है। उसके बाद हम धार की बात कर ले, 7 विधानसभाओं में से 5 हम लोगों ने जीती है। तो ट्राइबल सीटों में बहुत सारी सीटें हम लोगों ने जीती भी है। जो एक्चुअल रीजन जो है, वो कारण जो है, कुछ दिनों में और पता चल जाएगा। ग्राउंड रिपोर्ट भापने में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र, भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र पूर्वक चुनाव जीता है। प्रदेश की जनता मध्य प्रदेश में बदलाव चाह रही थी, मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना सभी जगह कांग्रेस पार्टी के पक्ष में एक तरफा माहौल था, पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को प्रभावित किया है, ईवीएम के माध्यम से प्रभावित किया है, धन बल का उपयोग किया है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया है। जब वोटिंग के बाद जिस तरह से पूरे देश में, चारों राज्यों में रुझान आ रहा था कि कांग्रेस पार्टी की जीत होगी, कांग्रेस पार्टी की चारों राज्यों में सरकार बनने वाली है, फिर आखिरी काउंटिंग के पहले 2-3 दिन में ऐसा क्या हो गया कि भाजपा के नेता जो हारा हुआ महसूस कर रहे थे वो एकदम से 60,000 से, 70,000 से, 1,00,000 से, 30,000 से, 40,000 से जीत रहे हैं? कहीं ना कहीं तो खेला हुआ है और बड़ा खेला हुआ है। कुछ और होता, बैलेट पेपर से डाक मतपत्रों की गणना में कांग्रेस हर जगह आगे है, तो क्या वो भी तो मध्यप्रदेश के ही मतदाता है, वो भी तो देश के ही मतदाता है जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं। बहुत बड़ा खेला है ईवीएम मशीन का भाई, 99% ईवीएम मशीन काउंटिंग के दिन कैसे रिचार्ज मिल सकती है? और जो 99% रिचार्ज मशीनें मिली हैं उन पोलिंग्स में कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे है और भाजपा, जबकि हमेशा जिन पोलिंगों को हम जीत रहे हैं, हमारे एरिया में भी हम हमेशा उस एरिया में कितने भी विषम परिस्थितियों में भी हमने 10,000, 15,000, 5,000 से लीड किए हैं। हमारे पिताजी भी 7 बार विधायक थे, लोकसभा लड़े, वहां अच्छे मतों से आगे रहे, हम भी 2 बार 33,000 से जीते। पर एकदम से जो ये परिवर्तन हुआ है इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है, बहुत बड़ा
धनबल का भी दुरुपयोग हुआ है और ईवीएम का भी दुरुपयोग हुआ है, सरकारी तंत्र का भी दुरुपयोग हुआ है और ये भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। चर्चा हुई है दिल्ली, कमलनाथ जी जा रहे हैं दिल्ली में सीनियर नेताओं से सबके साथ चर्चा करके इस पे क्या स्टेप उठाना है उस पे चर्चा करेंगे, फिर रणनीति बनाएगी कांग्रेस पार्टी। अभी तो यही विषय था, बाकी बातें मीडिया की नहीं है। 15 लाख रुपए खाते में डलवाए जाएंगे और एक साहिबान कहते हैं कि चुनावी जुमले हैं, मैनिफेस्टो वचन पत्र जब तैयार होते हैं तो जनता के जीवन को अच्छा बनाने के लिए तैयार होते हैं। और चुनावी जुमले हैं क्या जनता के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं? नहीं, हम अडिग हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए। काला मुंह छोड़िए, लहू बहा करके लाल मुंह भी कराना पड़ेगा तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। और काला मुंह का जहां तक मेरा स्टेटमेंट है, मैं कायम हूं 7 तारीख को 2 बजे राजभवन के सामने अपने हाथों से मैं अपना मुकाबला करूंगा। नहीं, आगे तो लड़ाई हमारी बीजेपी से है और आगे लड़ाई कोई हमारी छोटी मोटी नहीं है। अब इन विषय पर ऊपर ही सर डिस्कशन हुआ है कि हमें सबसे पहले ईवीएम की लड़ाई लड़नी है, फिर हमें नोट वोट की लड़ाई लड़नी है, तब हम जाकर के कहीं हिस्से लड़ पाएंगे और सफल हो पाएंगे। संगठन की कमी इतने मुद्दे नहीं आए जितने मुद्दे ईवीएम के और नोट वोट के आए। हाँ, करेंगे नोट। हाँ सभी जी, तो वो मैंने चैलेंज किया था और चैलेंज मैंने पूरा कर दिया, वो पूरा कर दिया, उनको हरा दिया। क्योंकि उन्होंने जब बाई इलेक्शन हुआ था तो सबसे पहले पहली मीटिंग उन्होंने शुरुआत की थी शिवराज सिंह चौहान साहब और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और खुद नरोत्तम मिश्रा जी, उन्होंने मुझे गाली देकर के चुनाव की शुरुआत की। एक चैतुआ चुनाव लड़ने आए थे जबकि मैं वहां पर एमएलए रह चुका हूं। चैतुआ जी नहीं कह सकते ये गाली है, तो गाली का मैंने कह दिया, मैं गाली तो नहीं दूंगा लेकिन गाली के बदले में आपको चुनाव हरा के मैंने कहा था। नहीं, खैर वोट तो उन्हें मिला है, अभी भी वोट मिला है, बहुजन समाज पार्टी को मिला है। नहीं, पहले बात अलग थी, अब तो थोड़ा इतना तो मिला है कि कई कई सीटें उन्होंने हरा दी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, वो तो 3 दिन दिल्ली बिल्कुल समीक्षा यही करी गई। कमलनाथ जी ने बताया, बोला है कि 15 दिन के अंदर हम लोगों को आगे अपना फीडबैक देना है, क्या कमी पेशी रही और कहाँ हम लोग आगे रहे उसका हमें फीडबैक देना है, उसके लिए आगे मीटिंग लेंगे फिर उसके लिए हम लोग काम करेंगे। जो ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है जो भी पाई गई है वो हम लोगों ने अपने नेताओं को बताया है, वो आगे चर्चा करेंगे उस पर जो भी आगे काम करने के लिए बोलेंगे हम लोग काम करेंगे। मैंने बताया ना 15 दिन के लिए उन्होंने बोला है, 15 दिन में आप समीक्षा करिए, 15 दिन के बाद इसके बाद फिर मीटिंग होगी, फिर उसमें हम लोग बात करेंगे। नहीं, वो तो सबकी अपनी अपनी बात है, वो उनकी राय रख सकते हैं, उन्होंने अपनी राय रखी। ठीक, आपको आज जनप्रतिनिधि भी दे रहे थे, वो टीम सीधे तौर पर क्योंकि बात हुई बूथ की, मंडलम की, सेक्टरम की, सब कुछ फेल हो गया सर। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम लोगों ने हमारे जिले में वचन पत्र को भुना के, वचन पत्र को केस करके हम लोग जो चुनाव लड़े, जिन्होंने ढंग से जो चुनाव को लड़ लिया, वचन पत्र को भुना लिया, हम लोग चुनाव जीत गए जी। तो जो भी ग्राउंड लेवल की मतदाताओं को समझ के वोटिंग कराने का, कन्विंस कराने की जो चीजें होना चाहिए, जो जितना कैंडिडेट कन्विंस करा पाया वो उतना, जैसे मैं मेरे यहाँ पर 2,08,000 वोट पड़े तो 1,33,000 वोट मैंने ले लिए। तो हम लोगों ने वचन पत्र को, चाहे हमारी बात कर ले मोन्टू सोलंकी जी सियंदवा से जीते, इनकी हम बात कर ले, राजेंद्र मंडलोई जी की बात करें, हमने वचन पत्र को बहुत बढ़िया से अच्छे से भुनाया है और हम लोग वहां से चुनाव जीते हैं। धन्यवाद।